Students, a very good morning to all of you. My name is Rashmi. Today I am going to teach you for class 4 subject maths, and today's our topic is multiplication. So students, after a long time हम लोग क्या है ऐसे टू का कोर्स स्टार्ट करेंगे एंड ये आपका मैथ्स का जो चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन इट इंक्लूड्स इन ऐसे टू कोर्स. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात जान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको यू हैव टू लर्न टेबल्स. आपको क्या है टेबल्स लर्न होने चाहिए. ठीक है, मैं लिटिल बिट इंट्रोड्यूस देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. देखिए, जैसे ये क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है साइन होता है, ये होता है सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का. ओके, ये क्या होता है सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का. जैसे हम क्या करते हैं 4 into, इसको इंटू भी बोलते हैं, तो कितना होगा 4 into 2. ठीक है, अब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम टू टाइप से हम कर सकते हैं सॉल्व. फर्स्ट हमको टेबल्स लर्न होने चाहिए तो इजीली हो जाएगा. ठीक है, और जिन बच्चों का बेसिक है आपकी छोटी क्लासेस है तो आप लोग क्या करते हैं कि काउंटिंग करके टेबल, जैसे एडिशन हम कैसे करते हैं या तो लाइंस ड्रॉ करके करते थे छोटे में, हमको सिखाया जाता था, और क्या करते थे फिंगर्स पे करते थे. ठीक है, तो आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, जैसे 4 into 2 है. ठीक है, 4 into 2 है तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रोसेस तो ऐसे कर सकते हैं, सेकेंड प्रोसेस 4 को अगर स्टूडेंट्स 2 times ऐड कर देंगे देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट. आप क्या है 4 fingers में 4 fingers ऐड करेंगे देन यू विल गेट 8, ना आपको 8 मिलेगा. राइट, तो आप क्या है मल्टीप्लिकेशन कैसे है ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं. आपकी इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइजेस भी है आपकी बुक में. ठीक है, आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन लिखिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या है टेबल जरूर आनी चाहिए. अगर आपका टेबल नहीं होगा या टेबल पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा या क्लियर नहीं होगा तो बेसिक क्या है आपका टेबल्स है तो आपको टेबल्स लर्न करने चाहिए. एंड सेकंड क्या है, अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे क्या है हमने ली 7 into 2 करना है हमको. ठीक है, तो 7 to 14 होता है हमको ये बात पता है. एंड क्या होगा 7 को 2 times एड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 14 ही मिलेगा. यानी मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन. हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन. और जो स्टूडेंट्स बुक में एक्सरसाइजेस दी गई हैं आपको मल्टीप्लिकेशन की, आपको उनको अपनी बुक्स और नोटबुक्स में कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड गूगल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.